ये दोस्तों वेलकम है आपका फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 12 हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि आज शाम का मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का। और ये मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो आइए हम लोग कम्प्लीट एनालिसिस देखते हैं कैसे टीम आपको बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग मुझे पता है बहुत सारे प्लेयर्स को लेके जाने वाले हैं, ओपनर प्लेयर्स जो है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे पता है ये भी कि आप लोग शेफाली वर्मा को भी पिक करेंगे, आप लोग स्मृति मंधा को भी पिक करेंगे। तो टीम में कुछ चेंजेस करके आपको मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बनानी है, क्योंकि लास्ट मैच जो हमने प्ले किया था, मैंने आपको बताया था कि वीडियो टिप्स आप लोग हमेशा से फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोगों ने फॉलो किया रहेगा, पूरा एनालिसिस फॉलो करते, तो आपने कुछ इस तरीके की टीम अपना बिल्ड किया होगा लास्ट मैच में, और 948.5 पॉइंट्स जो है वो इजिली अर्न किए होंगे। तो वीडियो टीम हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे लास्ट मैच में मैंने तीन टीम आपको बनाकर बताया था कि इस तरीके से आप लोग टीम फॉर्मेशन जो करेंगे। हालांकि मैं इस अकाउंट पे जो है एडिट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं जो चीजें करता हूँ मैं आपको सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है? तो फॉलो जरूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि इसी से ही आपकी बेस्ट टीम जो है वो बनने वाली है। मेगा कॉन्टेस्ट टारगेट कर रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा पूरी वीडियो को, ठीक है? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। 9 मैचेस अब तक हो चुके हैं वेमेंस T20 इंटरनेशनल के। चेजिंग टीम का एडवांटेज रहा है, 3 टाइम बैटिंग फर्स्ट ने भी यहाँ पर विन किया है। यहाँ पर क्या होता है, ये और शारजा वाली पिच में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर क्या होता है, थोड़े पेसर्स जो है वो गेम में आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे पेसर्स गेम में आते हैं। आपकी कैसे आते हैं ये देखिए आप लोग, देखिए स्कॉटलैंड वुमेन 99.8, एक ही पे विकेट मिला पेसर्स को। लेकिन उसके बाद में देखिए 4 विकेट पाकिस्तान वुमेन्स के केस में, न्यूजीलैंड वुमेन्स के 2 विकेट, 7 विकेट, 2 विकेट, 6 विकेट। तो यहाँ क्या होता है, पेसर्स के लिए अच्छी खासी मदद होती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते, क्योंकि वुमेन्स में हमेशा स्पिनर्स ही की रहते हैं, बट ये ऐसी पिच है ना जहाँ पर पेसर्स जो है वो अच्छा कर जाते हैं। तो पेसर्स भी अपनी टीम में जरूर रखिएगा, और स्कोर्स यहाँ पर भी बनाना मुश्किल होता है। लेकिन एक ऐसी स्ट्रिप है, न्यूजीलैंड वुमेन जहाँ खेली थी वहां 160 कर दिया था, बाकी उससे पहले देखिए स्कोर जो है नहीं बने, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा स्कोर्स कितना बन सकता है। यहाँ हम लोग अगर बात करें, इंडियन वुमेन्स जो है वो पहले बैट कर रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 125 से लेके 135 के अराउंड यहाँ पर टोटल इजिली कर देनी चाहिए, ठीक है? इजीली कर देनी चाहिए, ठीक है? उसके ऊपर करेगी तो अलग बात है, और श्रीलंका परफॉर्मेंस करती है तो ये 125 के अराउंड स्कोर ये भी करना चाहिए SL, ठीक है? अब इसमें भी 125 कब, जब चमारी अत्तापत्तू जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करे। चमारी अत्तापत्तू उनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस, यानी अराउंड उसका स्कोर आए कितना, वो करे 25 से 30 का स्कोर करेगी, तब जाके इस तरीके का स्कोर 125 जो है टच कर पाएगी श्रीलंकन टीम, अदरवाइज मुश्किल होगा। तो स्ट्रेटजी क्लियर है कैसे टीम बनानी है, हमें हमें स्कोर को टारगेट करना है कि इतना स्कोर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम जो है वो बिल्ड होगी, ठीक है? अब मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। पेसर्स डोमिनेट यहाँ पे कर जाते हैं अक्सर, हमने देखा है, और ऐसा भी हमने देखा है कि विकेट जो है टीम जो है वो ऑल आउट नहीं हुई है, यानी 5 या 6 विकेट ही गिरे हैं। और लास्ट के 9 मैचेस में कितने विकेट गिरने चाहिए थे, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 के लिए 180 विकेट गिरने चाहिए, लेकिन जस्ट उसके आधे के भी आधे विकेट गिरे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर दोनों ही इनिंग्स में मिला के कितने विकेट गिर सकते हैं, 11 से 12 विकेट के अराउंड जो है वो गिरने चाहिए, ठीक है? इतने हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ये दुबई का पिच है और स्टेडियम का व्यू है, ये आप लोग देखिए, थोड़ी सी ग्रास कवरिंग विकेट ये रहती है, मोमेंट इनिशियल ओवर्स में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? ये बाउंड्री डायमेंशन है। रियल 11 पे जरूर खेलिएगा, मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, जब भी मैं ट्रेडिंग खेलूंगा तो रियल 11 पे खेलूंगा, तो आप भी रजिस्टर कर सकते हैं, रेफर कोड मेरा फैंटेसी 100 यूज कर लीजिएगा। न्यूज की बात करते हैं, पूजा वस्तकर लास्ट मैच मिस किया था निगल के चलते, और संजीवन सजना खेली थी उनके प्लेस पे। अगर फिट होते हैं पूजा वस्तकर तो संजीवन सजना के प्लेस पे वो खेलती हुई नजर आएगी। इंडिया हरमनप्रीत कौर जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में थोड़ी इंजर्ड फील कर रही थी, नेक में कुछ इश्यू हुआ था इनके और रिटायर्ड हो गई थी। अब वापस ये बैक करेगी, कैप्टनसी करेगी। राधा यादव जो कि इंपॉर्टेंट स्पिनर है, 2 मैचेस में खेली नहीं है, तो शोभना आचार के प्लेस पे वो खेल सकती है। हेड टू हेड में बात करते हैं तो डोमिनेशन है इंडियन वुमेन्स टीम का, नो डाउट, हमेशा से डोमिनेट करती है अगेंस्ट श्रीलंका वुमेन। इंडिया की लाइनअप्स में चेंजेस जो मैंने मेंशन किए वही है, संजीवन सजना के प्लेस पे पूजा वस्तकर, और आशा शोभना के प्लेस पे आपको दिख जाएगी कौन, अपने राधा यादव, ये चेंजेस हो गए। अगर राधा यादव खेलेगी तो डेफिनेटली आपकी टीम की पार्ट होनी चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए।
अब यहाँ से शेफाली वर्मा, स्मृति मंदा में से एक चॉइस आपकी रहेगी। मैं यहाँ से शेफाली वर्मा को ड्रॉप करूंगा, स्मृति मंदा प्लस रोड्रिगस या कौर। स्मृति मंदा प्लस जेमिमा रोड्रिगस या कौर में से कोई एक बैटर मेरी टीम में होगा। हो सकता है मैं स्मृति प्लस जेमिमा रोड्रिगस दोनों को अपनी टीम में प्रेफर कर लूँ। ठीक है, ये दो मेरी टीम में हो सकते हैं, प्लस ऋचा घोष विकेट कीपर सेक्शन में, क्योंकि जो अनुष्का संजीवनी काफी डाउन आती है, दीप्ति शर्मा हमारी टीम में रहेगी। तो यहाँ से एक और इन दोनों में से एक, दो प्लेयर, यहाँ से तीन प्लेयर, दीप्ति शर्मा चार, और फिर रेणुका सिंह पांच, और सिक्स प्लेयर में यहाँ से अब जो भी खेलेगा राधा यादव खेल जाएगी, तो सिक्स प्लेयर राधा यादव हो जाएगी। सेवन प्लेयर में अगर जाना है तो फिर या तो अरुंधति रेड्डी या श्रियंका पांडे। मैं थोड़ा सा मूवमेंट एक्सपेक्ट करूंगा इस विकेट पे, तो अरुंधति रेड्डी मेरी टीम के पार्ट रहेंगी, क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग ये डाल देती है। ठीक है, बाकी पावर प्ले और डेथ के फर्स्ट के बॉलर आप लोग देख लीजिए। श्रीलंका वीमेंस की बात करते हैं, इनके लिए दो टैलेंटेड प्लेयर इनके पास में, विशिमा गुरारते और हर्षिता माधवी समारा विक्रमा। ये दोनों टैलेंटेड प्लेयर है, इन केस ऑफ चमारे तो फ्लॉप होती है, तो इन दोनों में से कोई एक बेटर होगा जो 30-35 इजिली कर सकता है, स्पेशली माधवी ये स्कोर कर सकती है। तो मैं यहाँ से किसको पिक करूंगा, चमारिया टू फर्स्ट, सेकंड एक अविशा दिलारी मेरी दो, और दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर को मैं अपनी टीम में बैक करूंगा, क्योंकि दोनों ही परफॉर्म करेगी मुझे लगता है। तो सुगंधिका कुमारी और रणावीरा, इन ये दोनों प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। अगर दो को नहीं रखने फिर भी एक को तो रख ही लीजिएगा, रणावीरा को, और उसके साथ में लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर उदयशिका प्रबोधनी, जो कि परेशान कर सकती है मंदा जैसी बैटर को। तो ये दो प्लेयर प्लस यहाँ से दिलहारी और यहाँ से चमारिया, तो ये चार प्लेयर आपको अपनी टीम में रखने होंगे। सेवन प्लेयर्स आप लोग इंडियन वेमेंस की तरफ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या कुछ कैसे करना है। प्रबोधनी पावर प्ले में बॉलिंग कर रही है तो दिक्कत देगी, ध्यान रखिएगा स्मृति मानना को। बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे देखने लायक। हेड टू हेड के नंबर अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हेड टू हेड में चमारिया पत्तू और इसका नंबर ध्यान रखिएगा। क्यों मैंने बोला है कि और रोड्रिगेज में से एक खेलेंगे, एक रखना है, तो रोड्रिग्स के नंबर काफी अच्छे हैं और खेलना पसंद करती है अगेंस्ट श्रीलंका। बाकी किसी ने खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं किया है। विकेट सेगर में प्रबोधनी है, ये क्या नाम है इसका, के नहीं है यहाँ पे ध्यान। 18 विकेट्स लिए इन्होंने, 16 विकेट्स रणावीरा, जो कि मैंने बोला लेफ्ट आर्म स्पिनर है और अगेंस्ट द इंडिया चलती है, इनको रखना है। राधा यादव खेलेगी, हमारी टीम के पार्ट रहेगी। दीप्ति शर्मा तो वैसे भी डिफॉल्ट ऑप्शन है, चमारी अत्तापत्तू भी हमारी टीम की डिफॉल्ट चॉइस होने वाली है। बाकी कुछ खास नहीं है। आपके ये सरनेम जो है ना, सॉरी आगे जो फर्स्ट नेम है उसके लेटर्स में कुछ मिस्टेक्स भी है, वो ध्यान रखिएगा, पीछे का नाम देख लीजिएगा आप लोग। और बाकी वेन्यू पे तो किसी का नंबर ज्यादा अच्छे मिलेंगे नहीं यहाँ पे। विकेट्स भी रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी ने यहाँ पे निकाले हैं। अब आती है प्लेयर मैचअप के, जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना कि दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर श्रीलंका साइड से इंपोर्टेंट हो गए, क्यों मैं कह रहा था। सुगंधिका कुमारी टू टाइम डिसमिस किया शेफाली को, रणावीरा ने एक बार डिसमिस किया T20 इंटरनेशनल में, एक बार डिसमिस किया है किसमें, हमारे ओडीआई क्रिकेट के अंदर। फिर स्पिन के अगेंस्ट में तो फंसती ही है, देखो ऑफ ब्रेक बॉलिंग के अगेंस्ट में भी दो बार डिसमिस हुई है, तो कहीं ना कहीं डिसमिस होती ही है शेफाली वर्मा अगेंस्ट द स्पिन। और इसमें भी मानना लेफ्ट आर्म मीडियम पेस के अगेंस्ट में उदयशिका प्रबोधनी, जिन्होंने 3 बार डिसमिस किया इनको, एक बार ओडीआई क्रिकेट में डिसमिस किया है, तो ये मैचअप्स काफी ज्यादा वर्क कर सकते हैं। बट मैं एक्सपेक्ट करूं दो मैचेस में फ्लॉप गई है इसमें भी मानना, इस मैच में खुद को बैक करनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो आपको वापस नजर आ रही है, रणावीरा देखिए यहाँ पे भी है, सुगंधिका कुमारी यहाँ पे भी है, तो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट में ठीक ठाक फंसी है इसमें भी मानना, लेकिन शेफाली वर्मा काफी फंसी है। अगर आपने विमेन्स प्रीमियर लीग फॉलो किया है तो काफी लोग जानते ही होंगे कैसे दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में लोग जो अपोजिशंस थी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को यूज कर रही थी और इनका विकेट्स लेना चाहती थी इसका भी। और एक और था अपने कौन, कैप्टन मैगलैनिंग का, अगर आप लोग अच्छे से फॉलो किए रहेंगे हो तो, है ना। कोर और जमीमा रोड्रिगस, रोड्रिक्स मेरी टीम की पार्ट रहेंगी, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरीके से नंबर से अगेंस्ट श्रीलंका, ये मेरी टीम की पार्ट रहेगी। सेफ जाने वाले वाले कोर को पिक करेंगे और रोड्रिक्स जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए। मैं वीडियो स्पेशली आपको ग्रैंड लीग के लिए बनाता हूँ, क्योंकि स्मॉल लीग तो मुझे पता है वही सेम प्लेयर सिलेक्शन होंगे, लेकिन ग्रैंड लीग अगर आप लोग खेल रहे हैं तो कैसे प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहिए वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ऋचा घोष दीप्ति शर्मा में से, दीप्ति शर्मा मस्ट होंगी, ऋचा घोष भी हमारी टीम की पार्ट रहेगी, क्योंकि बैटिंग आने ही वाली है इनकी, अगर बैट फर्स्ट करती है तो भाटिया मौका मिलता है तो हो सकता है ये टॉप 3 के अंदर भी बैटिंग करे, अभी मौका नहीं मिल रहा है। अगर सजीव सजना नहीं खेल रही, वस्त्रकर नहीं खेल रही, तो टीम ये भी कर सकती है, डीलर हेमंता
जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर जाती है, तो इनको भी टीम बैक कर सकती है संजीवन सज्जना के प्लेस पे अगर वस्तकर पूरी तरीके से फुल्ली फिट नहीं है तो। बाकी यहाँ से विश्वमा गुरा रहते हैं, चमारी अत्तापत्तू, दीप्ति शर्मा ने काफी बार डिसमिस किया है चमारी अत्तापत्तू को 4 टाइम, लेकिन उस उन्होंने स्कोर भी किया है और स्ट्राइक रेट भी 100+ का रहा है, तो दैट मीन्स कि ज्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ है। और अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म स्पिन भी डिसमिस हुई है, बट इन्होंने क्या है स्कोर किया, हेल्दी स्ट्राइक रेट से स्कोर किया सारे बॉलर्स के अगेंस्ट में, केवल पेस के अगेंस्ट में देखिए ओडीआई क्रिकेट के अंदर इन्होंने अच्छा नहीं किया, जो कि है 16 रन अगेंस्ट द रेणुका सिंह ठाकुर। बाकी मेरे ख्याल से चमारी अत्तापत्तू डिफॉल्ट है, विश्वमा गुरा रहते हैं, रिस्क ले सकते हैं अवॉइड करने का। समारा विक्रमा जरूर आपको मेगा कॉन्टेस्ट में ट्राई करनी चाहिए अपनी टीम में, राधा यादव ने डिसमिस किया है, राधा यादव भी एक की प्लेयर रहेंगी, कविशा दिलहरी मस्ट हैव सिलेक्शन होनी चाहिए। हसीनी परेरा कन्नड़ी दास की अवॉइड करना है, अनुष्का एमा कंचना अवॉइड करना है, रिसेंट फॉर्म आप लोग देख लीजिए किसका कैसा चल रहा है, यहाँ से भी देख लीजिए इंडियन प्लेयर्स का और ये हमारे श्रीलंकन प्लेयर्स का कैसा फॉर्म जो है वो चल रहा है। हर्षिता माधवी के बारे में पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये कभी भी बड़ी नोक खेल जाएगी, ये ध्यान रखना, अच्छी प्लेयर है और रुक के खेलती है, भले ही ज्यादा पॉइंट्स नहीं देगी लेकिन इजीली 40 पॉइंट्स आपको दे सकती है मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर। ठीक है, चलता हूँ अब मैं टीम्स की तरफ, कैसे हमारी टीम जो है वो बिल्ड हो रही है, यहाँ से मैं टीम आपको कंप्लीटली बिल्ड करके दिखाऊंगा। हालांकि आज मेरा फोटो आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, मैं लास्ट वीडियो में नहीं बना पाया था इस रात को, इसीलिए मेरा फोटोज भी मैंने हटाया हुआ है। स्मृति मंधाना मेरी टीम की पार्ट रहेगी, रॉड्रिक्स को मैं अभी बैक कर रहा हूँ अपनी टीम में, कविशा दिलहरी को अपनी टीम में रख रहा हूँ, चमारी अत्तापत्तू मेरी टीम में है, दीप्ति शर्मा, फिर यहाँ से लेफ्ट आर्म सॉरी रेणुका सिंह ठाकुर मेरी टीम में है, राधा यादव आई थिंक आनी चाहिए इस मैच में, तो मैं राधा यादव को अपनी टीम में बैक कर रहा हूँ, ये मेरी टीम के अंदर आ जाएंगी। यहाँ से ऋचा घोष ये भी मेरी टीम के पार्ट रहेगी, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर या फिर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म पेस को आप लोग रख सकते हैं, लाइक प्रबोधनी और यहाँ से कहाँ पे अर्का रनावला, तो ये हमारे 6 और 4 10 प्लेयर्स हो गए हैं। फाइनल पिक राधा यादव को उन्होंने प्रीफर किया, शोभना आचार्य शायद ना खेले इस फेज में मुझे लग रहा है, अरुंधति रेड्डी इस फेज में बॉलिंग कर जा रही है इसीलिए मैं अपनी टीम में इनको कंसिडर कर रहा हूँ, तो कुछ ये टीम मेरी बन रही है। आप लोग कर सकते हैं कि एक बॉलर को ड्रॉप किया, लाइक किसको ड्रॉप किया, प्रबोधनी को ड्रॉप किया या किसी को भी ड्रॉप किया, और चाहे तो हरमनप्रीत कौर को ले सकते हैं वाइल बैटिंग उसमें, लेकिन ऐसे तीन तीन बैटर लेके आप लोग नहीं जीत सकते, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो बगैर रिस्क के आप लोग विन नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ से प्रबोधनी को बैक कर रहा हूँ जो कि एटलीस्ट 25 पॉइंट्स तो आपको दे ही सकती है। ठीक है, तो ये मेरी टीम का कॉम्बिनेशन है, मेगा कॉन्टेस्ट टारगेट हम लोग कर रहे हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी में आई थिंक की सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगी चमारी अत्तापत्तू ही, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेगी, प्रीवियस 2 गेम्स अच्छे नहीं गए विद द बैट, उम्मीद करेंगे इस मैच में खुद को बैक करती हुई नजर आएगी। वाइस कैप्टनसी में आपके पास में वैसे देखा जाए तो दीप्ति शर्मा एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन जो लोग रिस्क लेकर खेलना पसंद करते हैं वो स्मृति मंधाना को भी ट्राई कर सकते हैं इस मैच के अंदर, ये नहीं करना चाहते तो दीप्ति शर्मा के बाद में आपके पास में अगर कोई बेटर ऑप्शन है तो कविशा दिलहरी है, क्योंकि चमारी अत्तापत्तू के भी बाद में फ्लॉप होने के बाद में ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से करेगी और ये प्रॉब्लम में बॉलिंग डाल जाएगी, तो एक कॉम्बिनेशन ये भी आपका बन सकता है। ये नहीं बनाना चाहता राधा यादव जिनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। ठीक है, तो एक ये टीम चमारी अत्तापत्तू प्लस राधा यादव, एक टीम हमारी यहाँ से चमारी अत्तापत्तू प्लस जो मैंने बोला था लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट में विकेट दिए इंडियन लाइनअप से काफी, तो एक ये टीम हमारी कैप्टन ये और वाइस कैप्टन रणबीर को अपनी टीम में हमने किया हुआ है, शेफाली वर्मा ट्रॉफी है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी टीम के 2 कॉम्बिनेशन है, अब सेफ कॉम्बिनेशन बनेगा तो यही बनेगा ये ध्यान रखिएगा, है ना, सेफ जाएंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन यही बनेगा जो कि है दीप्ति शर्मा प्लस चमारी अत्तापत्तू वाला, ये कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है। और रोटेशन कहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर रोटेशन आपको करना है तो आई थिंक कहीं रोटेशन आप ना करें तो बेटर है, अरुंधति रेडी हो सकता है, कभी कभी विकेटलेस चली जाती है, तो उस कंडीशन में आप अरुंधति को एक टीम के अंदर जरूर अपनी टीम से अवॉइड कर लीजिएगा, क्योंकि 2 मैचेस में परफॉर्मेंस दे दिया है, हो सकता है इस मैच में ज्यादा अच्छे पॉइंट्स ना दे पाए, प्लस दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर को मैं श्रीलंका वेमेंस की तरफ से अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ, वास्त्रकर खेलेगी तो पिक किया जा सकता है इनको, इसमें क्या करें रॉड्रिक्स को देखो 25% सिलेक्शन है और मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, बाकी किसी को पिक करें एक फाइनलाइज पिक में तो श्रेयांका पाटिल को ले लेते हैं और ब्रेक बॉलिंग डाल रखी है, ठीक
ये हमारी टीम एक और बन जाएगी जिसमें श्रियंका पाटिल को इंक्लूड किए हैं, बाकी चेंजेस हमने नहीं किए हैं। ठीक है, पूजा वास्तव अगर खेलेगी तो डेफिनेटली आपको टीम में रखना ही चाहिए। चमारी अत्तापत्तू अगेन कैप्टन है, वाइस कैप्टन स्विदी मांदा के साथ में मैं अब जा रहा हूँ। तो ये चार टीमें हैं, क्लियर कट मेरा नजर आ रहा है कैप्टन चमारी अत्तापत्तू ही रहेगी। वाइस कैप्टन में दो तो बॉलर आ जाएंगी, राधा यादव, आइनोगर रनावीरा और दीप्ति शर्मा एंड स्मृति मंधाना। ये चार टीम के कॉम्बिनेशन है। रॉड्रिक्स को एक टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन आप लोग मेरे ख्याल से बैटिंग फर्स्ट कर रही है, तभी आप लोग इस जो शेफाली वर्मा, सॉरी कह रहे हैं हम अपने रॉड्रिक्स है उसको वाइस कैप्टन करें। अदरवाइज बॉलर में भी बेटर ऑप्शन होंगे यहाँ पर वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी के लिए, तो उनके साथ में जाना। ये चार टीम है, लगा के देखिए। मैं ज्यादा आपसे ये नहीं कहता कि आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, पेड कॉन्टेस्ट आपको चेक करना है भाई कैसी टीम समरी बन रही है। तो पहले आप लोग यहाँ जाइए, डाउन डाउन में जाइए, प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट को खोलिए, चार टीमें बनाइए, चारों को एक एक ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है, आपको पता चल जाएगा नहीं ये टीम कैसे परफॉर्म करी। यहाँ पे जाइए और ये ऐसे टीम्स आप लोग ज्वाइन कीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। ठीक है, वीडियो देखी है पूरा, इतना टाइम देखा है, तो जरूर आप लोग इस तरीके से कॉन्टेस्ट जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया है। होपफुली आप लोग मेरी तरह बेस्ट टीम्स क्रिएट करेंगे और बड़ी रैंकिंग लगाएंगे मेगा कॉन्टेस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।